हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बड़ी सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि है कांदे पोहे। इंस्टेंटली 10 मिनट में रेडी हो जाता है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा, उसके ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होती है। मैंने एक्चुअली पोहा है, ये मैंने पोहा लिया है, 1/2 kg पोहा है। और उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। एक ग्रीन चिली ली है मैंने, बीच में स्लिट कर दिया है। कुछ थोड़े से मैंने 5-6 कली लहसुन काट लिए हैं, कड़ी पत्ता, जीरा, और ये चने की दाल है जो मैंने 20 मिनट्स एटलीस्ट सोक करके रखी हुई थी। हल्दी 1 टीस्पून, थोड़ी सी कोथमीर गार्निशिंग के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। चलिए देखते हैं अभी इसकी बनाने की विधि। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। अब इस तेल में जैसे ही हल्का सा वो गर्म होगा तो हम जीरा डालेंगे ताकि वो अच्छे से फ्लटर हो जाए। फिर हम डालेंगे लहसुन, और ये जो हमने दाल और इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हम बस हल्का गुलाबी सा करेंगे जब तक ये गुलाबी होता है। देखिए प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक जो हमने निकाल कर रखा था। इसे हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टियर कर लेंगे, और ये हम स्लो आंच पे करेंगे ताकि वो जले ना। अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। अब हमने इसमें पोहा ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये पोहा तो हमने ऑलरेडी पहले पानी में सोख करके साफ करके रखा था, इसीलिए हम इसे ज्यादा अभी से नहीं पकाएंगे। इसे बस जब तक ये सारा मसाला इसमें मिक्स ना हो जाए तब तक इसे हम चलाते रहेंगे और हल्के से आंच पे ही इसे पकाएंगे। देखिए इसका कितना अच्छा बेहतरीन रंग आया है, और उतना ही ये यमी होगा। इसमें जो हमने वो जो भीगी हुई चने की दाल भिगाई थी उससे इसका टेस्ट बड़ा ही सौंदा आता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप ना चाहें तो ना। इसी रेसिपी को हम कांदा पोहा है, अगर हम इसमें बारीक बारीक आलू काट के डाल देते हैं तो कांदा बटाटा पोहा हो जाता है। रेसिपी सेम ही रहती है, इसी तरह से बनाना होता है। अब हम इसे सर्व करेंगे, ये रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा कांदा पोहा रेडी है। सर्व करने के लिए हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कोरिएंडर लीव डाली है, कोथमीर। आप इसे चाहें तो ऐसे सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ बॉइल्ड एग भी अगर हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट, या तो फिर आप ऑमलेट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की कांदा पोहा रेसिपी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों की कोऑपरेशन से और आप लोगों के लाइक शेयर से, सब्सक्रिप्शन से काफी प्रोत्साहन मिलता है आगे के दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और साइड में आइकॉन है बेल आइकॉन, प्लीज उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।